जैसे लूप दो तरह के होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक हमारा डू लूप होता है। तो फॉर लूप के दो टाइप है, एक है फॉर आई और दूसरा है फॉर इच। तो इसी में हम फॉर डू के अंदर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर वाइल्ड एंड फोर अनडू, ठीक है। तो फोर आई में एक लोकेशन होता था कि एक स्टार्टिंग से एक एंडिंग पोजीशन होता है, कि यहां से स्टार्ट करना है लूप को और वहां पे खत्म करना है, राइट। और फोर ईच में क्या है, हमने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर चलना होता है, कि एक ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट रेंज हो गया, सिलेक्टेड सेल हो गया, ऐसे चीजों को लेकर चलते हैं। तो फोर डू में वाइल और एंडिंग क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है? बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है कंडीशंस। कंडीशंस मतलब कि आपका आप जो करने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा, और कंडीशंस पे ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो डू वाइल का यूज यही होता है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने यहां पे सेल्स दिया, अब जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें करना है, हमने आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमने जब फोर लूप लगाया था तो हमने बोला था कि फोर टू से लेके कहां तक चले, 43 तक चले। तो हमने एक स्टार्टिंग एक एंडिंग पोजीशन दिया, हमने फोर इस में बताया आपको कि हम एक रेंज को एक एरिया को सिलेक्ट करें और सिलेक्टेड पोजिशन में हमारा चले, ठीक है। तो जितना एरिया हमने सिलेक्ट कर रखा है उतने एरिया में वर्क हो, कि किस तरीके से सिलेक्टेड सेल पे चले। एंड फोर वाइल, फोर वाइल क्या होता है कि मैं चाहता हूं या फोर अंटिल। अब चलिए डू अंटिल एंड डू वाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि हमें लूप इस्तेमाल करना है, इस कॉलम के अंदर में लूप इस्तेमाल करना है, और हमारा हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्टार्ट कहां से होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एंड कहां से। हम चाहते हैं यहां पे कि ये जो है कि जब तक इसको नंबर मिलता है तब तक ये लूप चलता रहे,
जब तक इसको नंबर मिलता है तब तक इसका लूप चलता है। तो एक कंडीशंस के बिहाफ पे, एक कंडीशंस के बिहाफ पे अगर हम लूप लगा रहे हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे डू व्हाइल लूप। तो यहां पे देते हैं सब्जेक्ट क्या लिखते हैं कि यहां पे R इक्वल टू, मैं पहले वन कर देता हूं, एक वेरिएबल देता हूं ऊपर से कि जिम R एज ए इंटीजर और यहां पे R अमेरिका R इक्वल टू वन। फिर यहां जो होगा कि डू व्हाइल सेल्स R कॉमा वन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। तो उसके बाद मैंने बोला कि इसके आगे जो है इसका मान लीजिए कि मल्टीप्लाई पर एंट्री करता रहे, तो मैंने यहां पे कर दिया सेल्स आर कॉमा वन डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स R कॉमा वन डॉट वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय या कुछ भी दे दीजिए अपना कुछ भी। और इसके बाद R इक्वल टू R प्लस वन। अब R इस कोड समझिए क्या है, तो हम यहां पे लूप लगा रहे हैं। तो फोर लूप या फॉर ईच लूप में हमें बताना पड़ता है कि फलाना लोकेशन है, फलाना ऑब्जेक्ट है, तो इतना बार लूप चलाओ। लेकिन यहां पे ये चीज नहीं बता रहे, यहां पर हम बता रहे हैं कंडीशन। कंडीशन कि जब तक सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तक ये लूप चलता रहे। सेल्स की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक ये चलता रहे। तो सेल्स आर कॉमा वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने अपना एक अपना परफॉर्मेंस डाला। अब प्रॉब्लम है कि यहां पे आर हमने फिक्स कर दिया, ये हमेशा वन ही रहे, ये फोर आई की तरह आई में अपने हर बार अपने आप को नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहां पे इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई बाय वैल्यू यहां पे हमने यहां पे आर प्लस आर वन कर दिया ताकि हर बार आर इंक्रीज होता रहे। अगर मैं आप देखिए यहां प्ले करता हूं तो इसी को रिपीट से रिप्लेस कर दिया, माफ कीजिएगा हमें इसको करना टू करना चाहिए। आप देखिए तो इसके बगल में इसे नंबर्स को लिखा और वहीं तक लिखा जहां तक। तो लूप डू वाइल लूप लगाने का क्या क्या तरीका है, तरीका यह है कि आपने यहां पे डू वाइल लूप लिया और इसके अंदर हमने अपनी कंडीशंस को अपीयर किया, जो हमारी कंडीशंस है उस कंडीशंस को अपीयर किए और परफॉर्मेंस किए। अब बात है कि कंडीशंस को आगे नेक्स्ट कंडीशंस को चेंज कैसे करेगा, इसलिए हमने यहां पे लूप लगाया। तो डू वाइल लूप इस तरह से इस्तेमाल होता है। अलीजी कोई डाउट इसमें, जी नहीं सर। अब बात हाँ बोलिए। अरे सर क्या हो रहा है, मतलब काफी दिनों बाद आया हूँ। क्या बोल रहे थे, कुछ कोई कुछ पूछ रहा था। मैं पूछ रहा हूँ पूछिए कुलदीप यादव जी, आप बोलिए। यादव जी सर, सेम कंडीशन हम फॉर लूप में नहीं लगा सकते। नहीं लूप फॉर लूप तो हम लगा ही सकते हैं इस पे। नहीं ये जो हमने सेल्स आर वन
फिर r कॉमा वन डॉट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो किया है, तो ये हम फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। फोर लूप हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फोर लूप के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि आपके पास इसका एंडिंग, इसका एंड कौन सा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मतलब कि ये आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें लूप लगा सकते, लेकिन कई सारे जगहों पे हम फोर लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि अगर से मान लीजिए ना कि आगे चल के अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप करेंगे तो आपको सिस्टम को बेट कराना होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि जैसे कि हमने यहां बताता हूं आपको कि हम कोई इंटरनेट का पेज खोल रहे हैं, तो उस पेज जब तक पेज नहीं खुलता तब तक माइक्रो को होल्ड कर रहा है। अब पेज अब कितने सेकंड में खुलेगा इसका कंफर्म तो नहीं है ना, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, वो तो आपके सिस्टम और आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो उस समय आप ये दे सकते हैं कि do while internet.bg तब तक इसको वेट करें। तो इस तरह कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम कंडीशंस यूज कर सकते हैं। अब do while का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अब do while के बाद होता है do until, तो do until भी सेम काम करता है। do while और do until में कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। Do until मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस देगा। ये क्या करेगा, पहले परफॉर्मेंस देगा फिर कंडीशन चेक करेगा। जैसे कि अगर हम अपने डेटा पे जाएं और हमने पहली सेल को ब्लैंक कर दिया, तो कंडीशन हमारा पहला जो मैक्रो है, पहली जो मैक्रो है उस पहला मैक्रो का क्या इस्तेमाल है कि जब तक सिस्टम ग्रेटर देन जीरो है तब तक चले, जैसे इसको ग्रेटर देन जीरो नहीं मिलेगा ऐसे स्टॉप होगा। ये हमारा आरआर मैक्रो जो है, पहला मैक्रो जो हमारा है, एक कोई रिजल्ट ऑपरेट नहीं करेगा। देखिए क्यों, क्योंकि इसको ए वन में ही क्या निकल गया, ब्लैंक निकल गया। लेकिन नीचे वाला मैक्रो ये एक बार परफॉर्म करेगा, एक बार यहां पे इसने जीरो दे दिया। क्यों, क्योंकि वो पहले चला, पहले इसने कल को मल्टीप्लीकेशन की, उसके बाद चेक किया, चेक करने का पता चला कि यार ये जीरो नहीं है तो बाहर आ गया। मतलब ये कुछ ऐसा है, तो मान लीजिए कि एक सड़क है और सड़क के लास्ट में आपका टोल टैक्स है, अगर इस तरीके से आएंगे तो पूरा सड़क पार कर गया है और उसके बाद आप टोल टैक्स देंगे, मतलब कि आप पहले इस्तेमाल करेंगे फिर पैसा, दैट इज कि पहले वो इसको इस कंडीशन इसको इस एक्शन को फुलफिल करेगा, उसके बाद चेक करेगा, चेक करने के बाद लगा कि कंडीशन सही है तो फिर नेक्स्ट टाइम चेक करेगा। मतलब कि ये मैक्रो रन करेगा तो कंडीशंस मतलब कि हो या ना हो, मतलब कि कंडीशंस ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो, एक बार तो ये चलेगा। लेकिन डू वाइल क्या है कि पहले आपको पैसा देना है उसके बाद यूज करना, मतलब कि पहले वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हुआ तब तक वो एक बार भी इसको नहीं चलने है। तो डू वाइल और डू अंटिल में डिफरेंस समझ में आया, अली जी आपको आया सर? जी सर। अब चलिए इसका यूज मैं आपको बताता हूं। जी दोबारा उसी नाम का मैक्रो बन गया। सॉरी
चलिए अब इनपुट बॉक्स के बारे में जानिए कि मान लीजिए कि मैंने कोई मैक्रो बनाया और मैक्रो पे मैंने ये कर दिया कि मेरा इनपुट बॉक्स आएगा, जो भी इनपुट बॉक्स होगा उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने पिवट टेबल लगाया और पिवट टेबल किसके मतलब किस आपके डेटा सिटी वाइज है, तो किस सिटी का रिपोर्ट निकालना है पिवट टेबल की, तो आपने च्वाइसिस दे दिया कि भाई जैसे मैक्रो रन होगा यूजर यहां पर अपना सिटी का नाम लिखेगा, लिखने के बाद ओके करेंगे तो फिर उसका उसी का रिपोर्ट बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो हो सकती है कि यूजर यहां कुछ ना डाल के कैंसिल भी तो कर सकता है। अब कैंसिल करने का मतलब है कि नीचे की जितने भी मैक्रो प्रोग्रामिंग है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मेरा इनपुट बॉक्स जब तक इस पे आप कुछ नाम नहीं डालें तब तक आपको एक परफॉर्मेंस नहीं करने देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप यहां अगर वैल्यू डालिए तो ही आगे बढ़ने देगा, अगर आप वैल्यू नहीं डालते हैं तो आगे बढ़ने नहीं। ठीक है, इसके लिए हमने ये बनाया कि डू अनटिल एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक और यहां पे हमने लगा दिया अनलूप लगा दिया। अब इसको हम प्ले करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर मैं यहां पे कैंसिल करूंगा तो ये फिर वापस आ जाएगा, ओके करूंगा तो फिर वापस आ जाएगा। ये इनपुट बॉक्स तभी हटेगा जब यहां पे मैं कोई नाम डालूंगा। अब इसमें हमने अनटिल क्यों लगाया, बिकॉज कि मुझे एक बार इनपुट बॉक्स को चलाना ही है, क्योंकि ये जो हमने बताया ऊपर वाला डू व्हाइल वो क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन मुझे यहां पे कंडीशन कब चेक करनी है, आफ्टर द परफॉर्मेंस, मतलब इनपुट बॉक्स एक बार चले बंदा उस पर नाम डाले फिर चेक करे कि ब्लैंक है या क्या है क्या। तो ये काम अनटिल से होगा, इसलिए यहां पे हमने अनटिल का इस्तेमाल किया। तो इसका इस्तेमाल यही नहीं, आप हो सकते हो तो इसमें भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने सीट टू में बोला कि सीट टू जो है हमारा जैसे कोई एक्टिवेट करेगा जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक जो है उसका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि दिस वर्कबुक सॉरी इस पे गया और हमने वर्कशीट या एक्टिवेट इवेंट ले लिया। और इसमें हम सेम लिखते हैं कि डू अनटिल एंड equal to 12 n equal to input box enter password। अब देखिए कि सीट टू में जैसे हम एक्टिवेट करेंगे उससे पासवर्ड देख रहे, गलत पासवर्ड डाला तो नहीं कुछ करने दे रहा है, जब सही पासवर्ड डालूंगा तब जाके मुझे यहां पे वर्क करेगा। समझ गया, तो डू अनटिल का समझ आ गया कि आपको होल्ड करना है एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे। अब यहां पे हम क्या फोर लूप लगा सकते हैं, क्या बोल रहे हैं अली जी एंड कमले जी, नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कि वो कितना बार गलत पासवर्ड डालेगा उसका हमें क्या आइडिया है, इसलिए। अब चलिए एक और जी नहीं चलता, हाँ नहीं मैं समझ, इसमें बहुत शोर आ रही है सबके यहां से,
अब बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, अनम्यूट कर दिया। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर लूप इंफिनिटी टाइम नहीं चलता। नहीं उसे रेंज देनी ही पड़ती कि वो यहाँ तक चलेगा। हाँ स्टार्टिंग में एंडिंग। अब मैं एक और मैच बनाने जा रहा हूँ, बोलिए। सर जैसे इसमें इनपुट बॉक्स के लिए जो पासवर्ड क्रिएट किया है इसमें हम ये भी शो कर सकते हैं योर पासवर्ड इज रॉन्ग, जब मतलब वो परफॉर्म ना करे तो मैसेज बॉक्स डालें यहाँ पर। हाँ नीचे डाल दीजिए मैसेज बॉक्स यहाँ पर। कंडीशन डालना पड़ेगा, कंडीशन डाला करना पड़ेगा ठीक है, इफ अगर नहीं है तो पासवर्ड रॉन्ग शो करे। सर वो कैसे, इफ से डालना पड़ेगा? हाँ तो बिना इफ कैसे डालोगे आप, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि इफ n equal to not equal to 12 then show करे msg box। तो हर बार सही में भी दिखाएगा और पासवर्ड रॉन्ग अगर आप कंडीशन नहीं डालोगे ठीक है। यस सर। अब हम यहाँ पे डू वाइल लूप का एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक फोल्डर है, उस पर्टिकुलर फोल्डर का मेरे पास जितने भी, ये मैं एक फोल्डर है वीडियो वी में सैंपल फाइल, मुझे इस फाइल के इसके सैंपल वाले फाइल का जो फोल्डर है, इस फोल्डर में जितने भी फाइल है उनका मुझे एक लिस्ट चाहिए इस एक्सेल शीट में, उनका लिस्ट चाहिए इस एक्सेल शीट राइट। चलो तो इसके लिए क्या करें, तो मैं विजुअल बेसिक पे जाऊंगा, यहां सब्जेक्ट fn इक्वल टू, हमारे पास एक dir फॉर्मूला होता है। dir फॉर्मूला क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर पाथ में जितने भी फाइल है उस फाइल का लिस्ट देता है। लगाने का तरीका कैसे, एक इंस्टिंग जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लीजिए और यहाँ पे आप जो है अपने पाथ को लिखिए और उसके बाद आप जिस फाइल को चाहते हैं, अगर जितने भी फाइल है तो आप स्टार डॉट स्टार कर दोगे तो ये ऑल हो जाएगा, या फिर स्टार डॉट एक्सेलेस कर दिया तो एक्सेलेस फाइल आएगी, एक्सेलेस एम किया तो एक्सेलेस एम आएगी, एक्सेलेस एक्स किया तो एक्सेलेस एक्स आएगी, जेपीजी किया जेपीजी आएगी। तो जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन देंगे, फाइल एक्सटेंशन देंगे वही आपको फाइल आएगा, और अगर आप सिर्फ स्टार डॉट स्टार कर देंगे तो और आएगा। तो लिखने का तरीका ये है एंड कॉमा टाइप ऑफ फाइल कि कौन सा लें, तो मैंने बोला कि नॉर्मल फाइल लेना है, डायरेक्टिव नहीं, इंडियन नहीं, रीड ओनली नहीं, सिस्टम फाइल नहीं, सिर्फ हमें नॉर्मल फाइल लेना है। तो एफएन क्या है, एफएन को मैं डिफाइन कर देता हूं डिम, उसके बाद यहां पे हम करते हैं सर, रेंज ए 65,000 है ना सर? हाँ हाँ ए 5 तो नहीं डाला। डॉट और फिर डी आई आर एस एन इक्वल टू। अब देखिए ठीक है,
इसमें इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे डायरेक्टिव फंक्शन लगाया, बट ये डायरेक्टिव फंक्शन ने क्या किया, अपने अंदर ये जो 100 फाइल्स है 100 फाइल का लिस्ट रख लिया। बट fn क्या है, fn तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, वो हमेशा एक ही डेटा को कैप्चर करेगा। तो होता क्या है कि अगर हम इस चीज को भूल जाए, तो हमने अभी हमने fn कर दिया तो इसने एक फाइल का लिस्ट दे दिया, मुझे दूसरा फाइल चाहिए तो फिर आप हमें अगर लूप ना लगाओ तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से करना पेस्ट किया फिर fn इक्वल टू dir टाइप कर दो, इस तरह से समझे। तो dir क्या करेगा, क्या है कि पहले फाइल ली उसने सीट पे डाल दी, फिर दूसरी फाइल ली सीट पे डाल दी, फिर तीसरी फाइल ली सीट पे डाल दी, फिर चौथी फाइल ली सीट पे डाल दी, फिर पांचवी फाइल ली और सीट पे डाल दी, समझे। तो dir क्या करता है, वन बाय वन fn को देगा, क्या फाइल देगा। जब उसके बाद फाइल खत्म हो जाएंगे तो fn को क्या देगा, ब्लैंक, fn को ब्लैंक देगा। तो वही दिक्कत है, कितने ऐसी मतलब कि फाइल है इसके बारे में पता नहीं हमें, इसलिए हमने यहां पे लूप लगाया कि डू वाइल fn नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्यों ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। उसके बाद मैंने यहां पे रेंज दिया ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप ऑफसेट, यहाँ पे हमने दिया fn या ऑपोजिट लिस्ट। अब इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं क्या होगा कि इस फोल्डर में जितने भी फाइल है वो सारे फाइल का लिस्ट विद एक्सटेंशन यहाँ, ठीक है। अली जी को डाउट इसमें, जी नहीं सर, समझ में आ गया। बना लोगे ना सर ऐसा, सर जी सर बना लेंगे। चलो अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल यहां करते हैं। अब एग्जांपल होगा, आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी सीट्स हैं उस सीट का डेटा हम कॉपी पोस्ट कॉपी पेस्ट हम करते हैं। अली जी याद है, जी सर वो क्लिक बोर्ड वाला ना, नहीं 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 वीवी के थ्रू। अच्छा वीवी के थ्रू, हाँ हाँ शीट कॉलिंग कर दे बराबर। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि मेरे एक पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ फाइल्स है, उन फाइलों का डेटा हमें एक सीट के अंदर क्रिएट करना है। चलिए इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं।
सबसे पहले हम फाइल्स पे एक फोल्डर में बनाते हैं, कोई फोल्डर डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाते हैं। फाइल के नाम से और एक एक्सेल फाइल में हम कुछ डेटा बनाते हैं। छोटा सा डेटा बनाते हैं, तो यहां पे हमने डेटा लिया और उसको हम सेव करते हैं। सेव डेस्कटॉप के अंदर जो हमारे नई फोल्डर बनी है ना फाइल की, उसके अंदर में बुक 10 के नाम से उसके बाद इसको भी कॉपी करके इसको हम वैल्यू पेस्ट कर देते ताकि वैल्यू चेंज ना हो। इसको भी हम सेव करते हैं बुक 9 से नाम से। इसको कॉपी करते हैं तो है बुक टू का भी मैं यही करता हूं। तो एक मैक्रो मैंने बताया था या होता है कि अब जैसे कि मेरे पास 5 सीट है, मैं चाहता हूं पांचों सीट का डेटा यहां लास्ट में डेटा सीट के एक के नीचे पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए मैक्रो मैंने बहुत सारे मैक्रो इसके लिए हमने यूट्यूब पे भी डाले हुए। तो इसके लिए हमने क्या मैक्रो बनाया था चलिए इसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं।
इसलिए मैं मैं आपको बनाया था सब्जेक्ट कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू शीट्स डॉट काउंट माइनस वन, और उसके बाद हमने बोला था शीट्स आई डॉट सेलेक्ट रेंज ए वन डॉट एंटायर करेंट रेंज डॉट कॉपी, फिर शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेज स्टेशन, और हेडिंग हर ना आना हो तो इसलिए हमने बोला था कि एक्टिव सेल डॉट करेंट एक्टिव सेल डॉट करेंट एंटायर एंटायर रो डॉट डिलीट, और फिर यहां पे नेक्स्ट हमने आई थी। तो ये क्या करता था, एक जब मैं इसको रन किया इस पे हमारा जो बुक है फाइल बुक टू है, बुक टू पे जब इस हमारी कॉपी माइक्रो को रन किया तो इसने क्या किया कि जितने भी सीट्स के सीट्स के डेटा कॉपी कर दिया एक के नीचे एक के नीचे कर दी। एक के नीचे एक के नीचे, अब इस माइक्रो को अगर आप लोग भूल गए हैं तो एक बार समझिए, हमने 4i 1-2 सीट काउंट माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि तो मेरे पास यहाँ पे जो सीट है वो 5-6 सीट है, लास्ट वाला सीट क्या है डेटा शीट, तो मैंने बोला कि 6-1 की 5 से ही चलना है डेटा पे तो कॉपी करना है, इसलिए हमने माइनस 1 किया। फिर सीट आई डॉट सिलेक्ट मतलब पहले सीट को सिलेक्ट करो, डेटा आगे कॉपी करो, डेटा शीट पे जाओ, ऊपर से नीचे आओ और पेस्ट करो, लेकिन प्रॉब्लम है कि हेडिंग भी पेस्ट कर रहा था तो हमने हमने बोला कि हम जब भी कोई डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो जो हमारा पहला सेल होता है मतलब कि हेडिंग सेल होता है वही एक्टिवेट होता है। हमने बोला कि इस पूरे रो को डिलीट कर दो, इसने पूरे रो को डिलीट कर दिया, इससे क्या हुआ कि हमारा जो हेडिंग है वो डिलीट हो गया। तो एली जी ये माइक्रो समझ में आ गया, अली जी कुलदीप यादव जी आपको समझ में आया? हेलो ऐसा आ गया है तो रिप्लाई तो कीजिए। हेलो अब इसमें क्या करना, अब इसमें अली जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अली जी क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सर आ रही है आपकी आवाज, ये समझ में आया आपको? जी सर। अब इसमें क्या करना था कि मुझे हमने जो एक फाइल लिस्ट का जो ये बनाया था अभी इसके ऊपर हम सर इसमें बना दिए थे फाइल लिस्ट, इसमें बना दिए थे गलत किया था हमने, फाइल लिस्ट का जो कोड हमने बनाया अभी इस कोड का कुछ बेनिफिट नजर नहीं आ रहा कि हम फाइल फुल फाइल का लिस्ट एक्सेल सीट पे रखेंगे तो करेंगे क्या? सर खाली फाइल नेम ने खाली फाइल नेम नहीं, उसका लास्ट मतलब एक्सेस डेट मॉडिफाइड डेट ये भी लेके आना था। हाँ वो भी लेके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें?
इसमें वो भी ले जा सकते हैं इसके लिए, तो उसके बाद ही उसका हाँ तो उससे भी बेनिफिट के बाद उसका यूज था हाँ उसका फाइल ओपन करा मतलब कि हम अब क्या ये तो चीज बताई थी ना आपको अली जी याद होगा आपको कि फाइल के डेट एंड टाइम पे उसका फाइल का मॉडिफाई आ गया था लेन से उसका लेंथ आ गया था तो मैंने आपको डिस्कस किया था ना बराबर वो आपने जी तो आपने फाइल भी मुझे इसमें जो नया करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कि जो ए माइक्रो जो वर्क किया ये डिफरेंट डिफरेंट एक ही फाइल के अंदर सीट्स पे वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी फाइल्स है उस फाइल्स का डेटा कॉपी करना है एक फाइल के अंदर, समझे? तो मैंने इसके लिए चलिए हम माइक्रो बनाते हैं, सब्जेक्ट कॉपी एफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला एफ एम इक्वल टू डी आई आर और इसके अंदर हम देंगे और यहां पे स्टार डॉट स्टार ब्रैकेट में क्लोज किया एंड कॉमा विविन नॉर्मल, अब इसको करने से पहले जो फाइल में वर्क कर रहे हैं ना उसको सेव करना होगा एक लोकेशन में क्योंकि एक्टिवेट करने के लिए चाहिए ना। यहां देना है कि डू वाई एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे हमारा होगा वर्कबुक ओपन लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, एक ही कंडीशन से आप लिख भी सकते हो इसके साथ। हमने फाइल को ओपन किया, शीट्स पहली शीट्स को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम उसकी रेंज ए वन डॉट एंटायर सॉरी करेंट रीजन, करेंट रीजन को गए डॉट कॉपी उसके बाद हम यहां आते हैं वर्क बुक्स और इसमें डू डॉट एक्सेलस एम डॉट एक्टिवेट और इसका कौन सा शीट है डेटा शीट है शीट्स हम डेटा पे आएंगे डॉट सेलेक्ट रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेंस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेस है फिर कट एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स स्केप मारते हैं ना कॉपी जब होता है उसको वो है स्केप उसके बाद वर्कबुक इसमें एफ एन डॉट क्लोज
और फॉल्स सेव भी करना है और उसके बाद हो जाएगा एफ एन इक्वल टू डी आई आर राइट। अब देखिए कोड को समझिए कहां दिक्कत आ रही है बताइए अली जी और अब बाकी लोग सबको बोल रहा हूं। ये कोड है कि एक जितने भी फाइल है एक फोल्डर में जितने भी फाइल होगा उस फाइल के पहले सीट का डेटा ये हमारी डू डॉट करके जो हमारी फाइल है उसके अंदर डेटा सीट के अंदर एक के नीचे एक के बेस डेटा कनेक्शन बिटवीन फाइल। अली जी कोई डाउट है इसमें? अरे सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन ये वाली लास्ट के ऊपर वाली वर्क यार फाइल को क्लोज किया ना क्योंकि मेरा फाइल ओपन कर रहा है ना। मान लो कि 100 फाइल है तो अगर फाइल को वन बाय वन क्लोज नहीं करेंगे तो 100 फाइल ओपन हो जाएगी तो एक सर हैंग हो जाएगा ना। हम क्या कर रहे हैं देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली फंक्शन का ऊपर एग्जाम्पल क्या किया कि जितने भी लिस्ट है वो लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर हम लिस्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करा रहे क्योंकि फाइल का नाम वन बाय वन यहाँ एफ एन पे स्टोर हो रहा है जैसा कि हमने यहाँ देखा। हमने बोला कि उस फाइल को ओपन करो क्योंकि एफ एन जो है सिर्फ फाइल का नेम और एक्सटेंशन ही लेता है इसलिए पाथ हमको मैनुअली डालना पड़ा। फाइल जब ओपन हो जाएगा उसकी पहली सीट पे हम जाएंगे डेटा को कॉपी करें फिर जिस पे हमें वापस कॉपी करना है जैसे कि डू डॉट एक्सेस एम पे पेस्ट करना है उस पे हम जाएंगे उसके बाद उसके डेटा सीट पे जाएंगे और वहां पे हम कॉपी पेस्ट कराएंगे और एस्केप मारेंगे ताकि जो कॉपी जो होता है ना वो हट जाए। जैसे हम कॉपी कर लिया जो घूम रहा है ना इसको एस्केप मारेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि बिना एस्केप मारे आप इसको क्लोज करोगे तो आपसे यस एंड नो का एक आता है अलर्ट आता है वो अलर्ट आता है इसलिए हमने कट परमिटेड फॉल्स को। अब एफ एन फाइल जैसे कि मान लो कि बुक वन डॉट एक्सेल में जहां से हमने डेटा कॉपी करके पेस्ट किया है उसको तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा ना। हाँ जी समझ गया। क्लोज कर दिया और फिर एफ एन डॉट डी आई आर किया ताकि दूसरी फाइल इस पे लोड करे। अच्छा ठीक है फिर दूसरी फाइल लोड होगा और सेम प्रोसीजर दूसरी फाइल के साथ चलेगा तीसरी चौथी फाइल कब तक जब तक डी आई आर ब्लैंक नहीं हो जाता मतलब कि एफ एन पे ब्लैंक स्टोर नहीं होता। अब चलिए इसकी देखते हैं कि कहाँ पे ये तो थ्योरिकल सही है एंड प्रैक्टिकल देखते हैं टेस्ट करके। प्रैक्टिकल भी सक्सेसफुल है। सर एक क्वेश्चन था जी? अगर सर जैसे डाटा रीअरेंज होता जैसे फरवरी ये हमारा जनवरी का सपोज किसी फोल्डर में अलग होता या उसमें अलग होता तो भी ये कॉपी करता क्या? कॉपी डाटा अरेंज कॉपी तो करवे करता लेकिन फिर वो अरेंज नहीं करता। अरेंज आपको करवाना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर? अब यही तो होमवर्क मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया हुआ है मतलब किया ही नहीं करके दीजिए सर हो ही नहीं रहा ना वो तो। अगर थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो मैं उसको मैक्रो को पूरा सर होगा क्या कि एक एक कॉलम वाइज कॉपी होगा पहले चेक जैसे कि क्या होगा कि जहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा है ना यहाँ कॉपी हो रहा है तो जैसे कि हम क्या करेंगे कि जनवरी जाएंगे और सीट वन में ढूंढे जो भी हमारा डेटा सीट है उसमें ढूंढेंगे कि जनवरी का है फिर जनवरी कॉलम पेस्ट होगा तो कॉलम वाइज पेस्ट होगा तो सीट वाइज पेस्ट नहीं होगा उसमें डबल लूप चलेगा। प्रैक्टिकल अली जी आप भी समझिए क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली अभी जैसे कि हमारे पास पांच डेटा है पांच डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है सबको तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो हेडिंग जनवरी से लेकर जून तक सब में सेम है
डेटा अलग है बट सीक्वेंस सबका सेम है, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन इसी में हुआ क्या कि अब मैं मुझे डेटा कॉपी करना है इस सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में डेटा शीट रखती है इस सीक्वेंस में करना है। बट हुआ क्या कि सी टू के अंदर में जनवरी बाद में है, फरवरी पहले, ठीक है। तो इससे 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 दिक्कत क्या होगा कि सीट वन का जनवरी रहेगा और सीट टू का जनवरी के नीचे फरवरी का डेटा आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। क्या जैसे मान लीजिए कॉपी ऐसे ही करेगा ना कि इसको उठाएगा इसको उठाएगा, बराबर हमारा कोड तो वैसे बोलता है, हमारा कोड तो ऐसे बोल रहा है कि इसको उठाएगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करेगा और फिर सीट टू को उठाएगा और फिर पेस्ट करेगा, हमारा कोड ऐसे ही कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे हम जब पेस्ट किए तो ये जो कॉलम का डेटा आया एक गलत है, बेसिकली फरवरी का है, ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था। तो कोड में आपको इंप्लीमेंट क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि नेम, आपको सीट वन में देखना होगा कि नेम किस कॉलम में, तो नेम हमारा इस कॉलम में, तो फिर नेम को उठाएंगे कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर चेक किया है जनवरी, फिर देखेंगे कि जनवरी किस सीट किस एरिया में, जनवरी यहाँ पे है, फिर इसको कॉपी करेंगे फिर इसको पेस्ट करेंगे, समझे। तो फिर सीट वाइज नहीं कॉलम वाइज पेस्ट होगा और इसी का कोड आपको होगा फाइंड आउट करना था, तो आप कीजिए, जब नहीं हो पाएगा तो फिर मैं करके दिखाएंगे। और फरहान ने करके भेजा था विशाल विकास आपको, आपके उसको देखता था, आपको समझ में आ जाता। लेकिन अभी अली जी आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये बैच आपका है तो आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है जी, अभी जो मैंने यहाँ पे किया तो ये क्या कर रहा है कि हर फाइल के सिर्फ एक ही सीट के डेटा को कॉपी कर रहा है, करेक्ट। लेकिन मेरे पास क्या है कि मेरे पास 12 महीने की फाइल है, 12 फाइल है, किसी फाइल में 30 है, किसी फाइल में 31 है, किसी फाइल में 28 सीट्स है। तो मुझे एक ऐसा मैक्रो बनाना है कि हर फाइल को हर सीट का डेटा कॉपी करेगा एक के नीचे और साथ में उसका सीट का नेम भी डेटा के हेडिंग में रखेगा कि किसका डेटा ताकि सेग्रीगेट कर सके। ठीक है जी, ये आपका आज का होमवर्क है, कीजिए। ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में यूट्यूब पे चली जाएगी, वहां से दीजिए, ड्राइव में शाम तक डालूंगा, यूट्यूब पे भी डाल देता हूं। ठीक है सर, तो लिंक भेज देना सर यूट्यूब।